गुड़गांव से शीतल ने पूछा है पूछते हैं ऊर्जा और आत्मा का कोई आकार नहीं होता तो हमारे शरीर में यह कैसे रहती है भौतिक विज्ञान के छात्र जानते हैं कि पदार्थ तीन तरह के होते हैं ठोस तरल और गैस ठोस क्या है जैसे कोई पाषाण है पत्थर है कुर्सी है टेबल है ये सब ठोस है इनका एक निश्चित आकार होता है फिर तरल क्या है जैसे पानी है तेल है ये सब तरल है और जहा जिस आकार में जिस कंटेनर में जिस पात्र में ये रहते हैं वैसा आकार ये ले लेते हैं और फिर गैस जैसे हवा है तो ये भी जिस पात्र में रहते हैं बस उस पात्र का ही आकार ले लेते हैं तो ये तो पदार्थ की विशेषताएं तो जैसे कि मान लो कि कोई सरोवर में पानी है तो सरोवर का रूप ले लेगा जैसे मान लो नदी में पानी पा रहा है तो नदी का रूप ले, ले लेगा तो जैसा ठोस पदार्थ होता है वैसा ही तरल और गैस भी हो जाते हैं अब तुम पूछते हो ऊर्जा के बारे में तो ऊर्जा का भी यही विज्ञान है कि जिस ठोस पदार्थ में ऊर्जा संग्रहित होती है वो उसी का रूप ले लेती है जैसे मान लो बैटरी है तो बैटरी में बिजली कंटेंट है तो बैटरी का वहां रूप ले रही है ऐसी बादल है बादल में बिजली होती है तो फिर वो बादल का रूप ले रही है ऐसे ही लोहा में चुंबक है चुंबकत्व है चुंबकत्व की शक्ति है वो लोहे के रूप में विद्यमान है ऐसे पृथ्वी है पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है ग्रेविटेशनल फोर्स है तो पृथ्वी के रूप में वहां पर संग्रहित है तो ऊर्जा भी जिस तरह का पात्र होता है उस तरह के पात्र का वो रूप ले लेती है और अब तुम पूछ रहे हो आत्मा के बारे में तो आत्मा भी जीव के आकार का रूप ले लेती है सुंदरदास ने एक बहुत सुंदर सवैया कहा है उसका मैं केवल अर्थ बता देता हूं कि परमात्मा या आत्मा क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है और आत्मा के रूप में परमात्मा ही है जीवों के घटाकाश में उतर आता है तो कहते हैं कि ये परमात्मा अथवा कह लो आत्मा कह लो ये हाथी में हाथी की तरह दिखता है अब बंदर में बंदर की तरह दिखता है चीटी में चीटी की तरह दिखता है तो जैसा जीव का आकार होता है आत्मा भी उसी रूप में ढल जाती है इसलिए अष्टावक्र जब जाते हैं राजा जनक की सभा में और लोग हंस पड़ते हैं उनके टेढ़े अंगों को देख करके तो बड़ी प्यारी बात कहती है कहते हैं क्योंकि फिर राजा जनक महा दरबार में बैठे हैं उनकी उपस्थिति में लोग हंस रहे हैं अष्टावक्र पर तो फिर अष्टावक्र भी ठाका लगा कर हंसने लगते हैं राजा जनक पूछते हैं कि दरबारी हमारे हंस रहे हैं ये बात समझ में आती है आपके चलने का जो स्टाइल है ऊँटो जैसा इसलिए हंस रहे हैं लेकिन आप क्यों हंस रहे हैं अष्टावक्र टेढ़ी होती भला कब रस टेढ़ा होता है और वक्र नदी का हे राजन कब जल टेढ़ा होता है इसी तरह यह पंच तत्व से निर्मित तन टेढ़ा है और भीतर स्थित आत्म तत्व तो निराकार दृष्टा है इसलिए आकार के अनुसार देखने में जैसे नदी है तो नदी अगर वक्र नदी है टेढ़ी होकर के चल रही है तो पानी भी टेढ़ा दिखता है लेकिन पानी टेढ़ा नहीं है ईख अगर टेढ़ी है तो उसका रस भी टेढ़ा दिखता है लेकिन वास्तव में रस तो टेढ़ा नहीं है इसी तरह से अगर शरीर हमारा टेढ़ा मेढ़ा है तो क्या भीतर जो आत्म तत्व है जो निराकार तत्व है क्या वह भी टेढ़ा है नहीं वह देखने में टेढ़ा है देखने में हाथी में हाथी की तरह है देखने में बंदर के बंदर की तरह है लेकिन वास्तव में आत्म तत्व का कोई आकार नहीं है जैसे रस का कोई आकार नहीं होता जल का कोई आकार नहीं होता ठीक ऐसे ही हमारे आकार के भीतर जो निराकार है जो चैतन्य निराकार है उसका कोई आकार नहीं होता लेकिन रहता है उसी में